दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है। नई सरकारी अतिथि शिक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनके लिए आज से ही शुरू हो गई है। न्यू गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 पीजीटी के यहाँ अलग अलग विषयों के कुल 1085 पद हैं। इसी प्रकार टीजीटी के भी अलग अलग विषयों के कुल 5000, तो कुल मिला के पीजीटी टीजीटी के 6085 पदों के लिए एक बड़ी अतिथि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो गई है। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको हम इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कहां कैसे जाके आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है और किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, क्या एज लिमिट, क्वालिफिकेशन वगैरह। तो ठीक है, बाकी इनके लिए डीएड, जेबीटी, बीएड वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप पीजीटी के पदों का विवरण देखिए। पीजीटी बायोलॉजी के कुल 119 पद हैं, पीजीटी कॉमर्स के 107 पद हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स के 99, पीजीटी हिंदी के 83, पीजीटी हिस्ट्री के 150, पीजीटी मैथमेटिक्स के 161, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के 140 और पीजीटी संस्कृत के 226। तो कुल 1085 ये पद है पीजीटी के और इसी प्रकार टीजीटी टीचर्स के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के 5000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। और जो ये रिक्रूटमेंट है ये आ रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। हां जी दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, hkrnl.itihariana.gov.in। होम पेज पे जॉब एडवर्टाइजमेंट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां आप देखिए पीजीटी की वैकेंसियां भी यहां अपडेट कर दी गई है। पदों की संख्या मैं आपको बता चुका हूं। टीजीटी की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां कहीं पे भी अनाउंस नहीं की गई हैं, पर मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी कि टीजीटी के 5000 पदों पे हम अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो टीजीटी की सभी विषयों के कुल मिला के 5000 वैकेंसियां यहां है और पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट की मैं आपको बता ही चुका हूं। यहीं पे आपको ऑनलाइन आवेदन कर लिंक का लिंक मिल जाएगा। देखिए हरेक पद के सामने अप्लाई लिखा हुआ होगा, हरेक पद के हरेक पोस्ट के सामने। तो जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है उस पद के आगे जो अप्लाई लिखा हुआ है इस पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। 6/11/2022 आवेदन करने की अंतिम तिथि है पीजीटी के लिए और 5/11/2022 आवेदन करने की अंतिम तिथि है टीजीटी की वैकेंसियों के लिए। तो अब देखते हैं इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पीजीटी के लिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसी कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखी हो। और उसी के साथ साथ यहाँ एक कंडीशन और है, हिंदी या संस्कृत आपके पास जरूर से जरूर हो, मैट्रिक में नहीं तो 10+2 में नहीं तो बीए या फिर एमए, मतलब किसी भी कक्षा में आपने हिंदी एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर पढ़ा हो, आप ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ साथ एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर होना आपका अति आवश्यक है। जी दोस्तों, हरियाणा में पीजीटी के लिए भी टेट कंडक्ट कराया जाता है और कंसर्न सब्जेक्ट में वो टेट भी आपका जरूर से जरूर क्लियर हो अगर आप इनके लिए आवेदन करने जा रहे हैं। तो ये तो होगी ही पीजीटी की क्वालिफिकेशन, अब चलते हैं टीजीटी की क्वालिफिकेशन की तरफ। टीजीटी की जो वैकेंसी आई है इनमें बीटीसी, जेबीटी, डीएड वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बीएड वाले तो एलिजिबल है ही। और कौन आवेदन कर सकते हैं बीटीसी, जेबीटी और डीएड वाले, जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के शिक्षक की रिक्रूटमेंट है, मान लीजिए टीजीटी इंग्लिश की ये वैकेंसी है तो इंग्लिश में आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो और उसके बाद आपने बीटीसी, जेबीटी या डीएड में से कोई एक कोर्स कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो कम से कम 2 साल का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और बीएड अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर ही सकते हैं, बाय डिफॉल्ट है एलिजिबल है आप टीजीटी के लिए। और यहां बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी की कंडीशन यहां टीजीटी में भी है,
दसवीं बारहवीं या किसी भी हायर क्लास में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपने जरूर से जरूर पढ़ा हो और एचटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। कंसर्न सब्जेक्ट में एचटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। एचटेट का पेपर टू जो कि टीजीटी के लिए कंडक्ट कराया जाता है तो वो क्लियर होना आवश्यक है। तो मतलब बगैर एचटेट वाले तो हरियाणा की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर ही नहीं सकते। सीटेट वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एचटेट वाले कैंडिडेट ही इस अतिथि शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण मैं पीजीटी का आपको बता चुका हूँ, टीजीटी की ओर देख लीजिए। टीजीटी इंग्लिश की रिक्रूटमेंट है, टीजीटी हिंदी की, टीजीटी मैथ, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज की रिक्रूटमेंट आई हुई है। 5/11/2022 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से देख लीजिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, hkrnl.itihariana.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ आपको क्लिक करना है, ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे और पद के बिल्कुल आगे अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। आप सैलरी पूछेंगे तो सैलरी यहाँ नहीं दर्शाई गई है, एज पर निगम यहां लिखी हुई है सैलरी। तो सैलरी के बारे में कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा, कहीं से भी एग्जैक्ट मेरे को पता लगता है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाने थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।